हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में मैं जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करने वाली हूँ, जो कि कल मैंने लाइव किया था उसके। तो इसी तरह से प्लीज़ आप लोग लाइव पर जो है क्वेश्चन सेंड करते रहिए, तो मैं आपका जो है आंसर कर दूँगी क्वेश्चंस का। ओके, तो चलिए मैं अभी यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कल से, जिनके कि क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, मैं देख लेती हूँ। एक्चुअली में मेरा डाउन अपलोड नहीं हुआ है ना, तो वीडियो तो मैं ये यहाँ से ले रही हूँ। हेलो, अफराज जी से ले रही हूँ। अफराज, आपका था कि कल जो था, डस आस्था विल कॉन्टैक्ट मी एंड वैन, ठीक है। अफराज, आपका ले रही हूँ मैं यहाँ पर कि आस्था आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी और कब करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका कार्ड्स ओपन कर रही हूँ। ओके, आस्था जो है अभी आपको शायद कार्ड्स दिख रहे होंगे, तीन कार्ड्स आए हैं आपकी। ये अपराज, आस्था जो है वो आपसे कांटेक्ट तो करेंगे, ऐसा नहीं है, बट अभी जो है सैड चल रहा है आपके और उनके बीच में। हो सकता है कुछ उनके पास पर्सन है जो उनको सिखा रहे हैं, या कुछ उनकी बातों में है वो, तो इसलिए अभी आपकी तरफ नहीं उनका है। सैड फीलिंग है, थोड़ा सा परेशान है, उदास है वो, पर हो जाएगा। आपके पास दो कार्ड यस के लिए आए हुए हैं, तो आपको थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा सिचुएशन को, बिल्कुल ही अपनी दिमाग से हैंडल करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो यस है आपका, उनका आपकी तरफ आ जाएगा, पर थोड़ा सा आपको दिमाग से काम लेना होगा, ठीक है। अपराज, ये आपके लिए था। ओके, संचिता मोंदल, मेरे सोशल मीडिया के फ्रेंड अरिजीत दे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। संचिता, आपका ले रही हूँ यहाँ पर कि आपके जो सोशल मीडिया के जो फ्रेंड है अरिजीत देव, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। ओके, आपके जो कार्ड्स हैं, थ्री ऑफ वैंड्स हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और जो है ये आपका है किंग ऑफ वैंड्स है। तो अभी वो आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, बिल्कुल आपसे मुंह मोड़ रखा है उन्होंने, आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त जो है, एट प्रेजेंट जो है अभी वो आपसे बात करना नहीं चाह रहे हैं। कुछ थोड़ा सा सेल्फिश टाइप पर्सन भी है वो, पर वो आपसे बात तो करेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम बात करेंगे। या तो वो चाह रहे हैं कि आप जॉब करो, या कुछ पैसे से रिलेटेड है उनका, आपसे बात करेंगे वो कुछ टाइम बाद, 3 मंथ्स बात करें, या 1 मंथ बाद, या 3 मंथ्स बाद कर सकते हैं आपसे, ठीक है। तो अभी वो ऐसा सोच रहे हैं आपके लिए, फिलहाल आपके ज़्यादा तरफ देख नहीं रहे हैं कि आप क्या कह रहे हो, आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। नेक्स्ट लेती हूँ मैं यहाँ पर, तैमूर आपका ले लूँ यहाँ पर क्वेश्चन है। तैमूर, आपका क्वेश्चन, अभी तो आ रहा था, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ले रही हूँ मनीषा आपका क्वेश्चन। आपकी दिसंबर में लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके लिए है ये मनीषा, आपके लिए है मनीषा मंगला, आपके लिए है ये, ठीक है। जो आपकी दिसंबर में लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ओके, आपको भी थोड़ा वेट अभी और करना पड़ सकता है, 1 मंथ तक और, तो लव लाइफ के लिए थोड़ा सा टाइम ऐसा ही रहने वाला, कुछ रिलीफ तो मिलेगा आपको पहले से, ऐसा नहीं है, हो जाएगा आपका, पर थोड़ा टाइम लगेगा। किसी बड़े पर्सन की हेल्प से हो सकता है, आपकी तरफ किसी का झुकाव हो, या कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है दिसंबर में आपके लिए, ठीक है। लव लाइफ के लिए थोड़ा सा भी टाइम
ठीक है। ओके तो चलिए अभी मैं देविका आपका ले रही हूँ यहाँ पर। अवधूत कौन की करंट फीलिंग बात कब करेगा? ओके अवधूत की देविका आपके लिए ले रही हूँ यहाँ पर। अवधूत की करंट फीलिंग क्या है? अवधूत की करंट फीलिंग क्या है और आपसे बात वो कब करेंगे? अवधूत की करंट फीलिंग है अभी झगड़े वगैरह में लगा हुआ है, किसी के साथ है या आपके साथ है, कहीं पर है वो, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस या प्लानिंग बना रहा है आपके साथ, है आपके साथ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है अवधूत का, बिल्कुल ठीक है, मिल लेगा वो आपसे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको। आप ये कह सकते हो कि 2 मंथ्स लग सकते हैं, दिसंबर के लास्ट या जनवरी में हो सकता है उसका चांस हो आपसे मिलने का, बात करने का अवधूत का, ठीक है। तो प्लानिंग तो कर रहा है आपके बारे में, सोच रहा है वो, बट कोई झगड़ा है उनका, या तो आपके साथ हुआ या किसी और पर्सन के साथ है जिसमें कि अभी वो फंसे हुए हैं, ठीक है। ओके चलिए मैं यहाँ पर संदीप शर्मा जी का ले रही हूँ। डिवोर्स होम के होने के चांस कब तक होंगे? ओके आपका डिवोर्स कब तक होने के चांसेस होंगे? मैं यहाँ पर आपके लिए 3 ले रही हूँ क्वेश्चंस। संदीप शर्मा जी आपके लिए, आपका डिवोर्स होने के चांसेस कब तक होंगे? ओके आपको मौका तो मिलेगा ऐसा नहीं है, पर 5-6 महीने लग जाएंगे आपको, अभी आप ये सोच लीजिए, ठीक है। कोई हेल्प कर सकता है आपका पर्सन, आपकी जो नानी है उस तरफ से कोई पर्सन हो आपका झगड़े में, तो संदीप जी कोई वो कर सकता है आपकी हेल्प। आप 5-6 महीने आप लेकर चलिए कि लग सकते हैं आपका डिवोर्स होने में, हो तो जाएगा आपका, यस के कार्ड्स आए हैं वैसे तो, ठीक है। ओके वही है यहाँ पर ले रही हूँ। सानिया माटू, क्या मेरा रिलेशनशिप वहाँ कोई थर्ड पार्टी बन रहा है? बॉयफ्रेंड किशन राज। ओके हाँ बन तो रहा है कोई थर्ड पार्टी आपके में, थर्ड पार्टी तो है, पर वो दूसरी तरह से किशन राज में हो सकता है, इमोशनली अटैच्ड हो वो बहुत ज़्यादा, इस वजह से हो सकता है, ये एक कारण हो सकता है उनका, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट ले रही हूँ। अंकित जी का तो हो गया था कल। शाजिया आपका ले रही हूँ मैं यहाँ पर, कि अजीम को मेरे लिए कोई फीलिंग होती है या नहीं? लाइफ में चांस है मिलने का उसके साथ? चलिए मैं आपके लिए 3 कार्ड्स ले रही हूँ यहाँ पर। शाजी आपके लिए ले रही हूँ यहाँ पर। अजीम का आपका चांस है या नहीं मिलने का? चांस तो है, ठीक है, लेकिन उसका वही एक कार्ड आ रहा है कि उसको पैसे से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, या तो आप जॉब करो या कुछ ऐसा करो तब आपका जो है सही हो सकता है। इमोशनली अटैच्ड है लेकिन वो मैरिज नहीं करना चाह रहा पैसे की वजह से आपसे, या ये एक रीज़न आ रहा है जो उनका है कि वो पैसा नहीं है, या आप जॉब नहीं करते, या उनके पास नहीं है, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आपकी तरफ आ नहीं रहा है, जो मेरे पास आया है कार्ड्स में, ठीक है। ओके गौरव आपका ले रही हूँ, कि क्या शिल्पी अपनी गलतियों का एहसास है? हाँ एहसास तो है, लेकिन फिर भी वो है ना कि बंदा नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, उस टाइप का है, एहसास तो है उसको कहीं ना कहीं, बट ये है कि मानने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। चलिए मैं देख लेती हूँ अंकिता का क्वेश्चन रह गया। संगीता, क्या अनिक की फैमिली से शादी के लिए प्रपोजल आने का कोई चांस है या नहीं? संगीता जी मैं आपके लिए ले रही हूँ। अनिक की फैमिली से कोई आने का चांस है या नहीं है? चांस तो है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, कोई लेडी को हेल्प से आपका हो सकता है, आपको एक चांस मिल सकता है, ठीक है। नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए हैं, पॉजिटिव ही आए हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, कोई लेडी बीच में पड़ सकती है, बड़ी एज की हो वो कर लेंगी। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट गेम का नंबर है। शिल्पी आपका फ्यूचर पार्टनर देखने में कैसा होगा? शिल्पी भारद्वाज आपका ले रही हूँ, कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं वो देखने में कैसे होंगे, ठीक है। ओके
देखने में अच्छे होंगे, स्मार्ट होंगे, स्ट्रिक्ट हो रहने वाले, थोड़े से इस टाइप के होंगे, लेकिन दिल से अच्छे पर्सन होंगे, डिसिप्लिन में रहने वाले, मेहनती होंगे, हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, इंजीनियर या हाथ से रिलेटेड कोई बिजनेस हो जिनका कुछ काम में हो सकते हैं, बहुत मेहनती होंगे, हर चीज़ पर फोकस करने वाले होंगे, पैसा भी ठीक होना चाहिए उनके ऊपर, और जो है बिल्कुल ही जो है अच्छी पर्सनैलिटी होगी उनकी, स्मार्ट होंगे, ठीक है, हेल्पफुल पर्सन होंगे, दूसरों की हेल्प करने वाले होंगे। हो सकता है कि आपके जो है नानी या मामा उसकी तरफ से कोई रिलेशन रिश्ता आ सकता है आपके लिए, ठीक है शिल्पी, या उनमें से कोई करवा सकता है आपके लिए। ओके अभी देख लेती हूँ नेक्स्ट है। विजेंद्र जी, आपका बिट्टू पाल जी की मम्मी ने मेरे से किस बारे में बात करेंगे, एंड मम्मी एंड मंटू क्या मेरे मिले हुए हैं आपस में, मोंटू और मम्मी क्या मिले हुए हैं आपस में? हाँ मिले हुए हैं वो आपस में, ठीक है। बिट्टू पाजी की मम्मी एंड मेरे से किस बारे में बात करेंगे, चलिए देखते हैं कि बिट्टू पाजी की मदर हैं वो आपको किस बारे में बात करना चाहती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर थी कार्ड्स ले रही हूँ आपके लिए गजेंद्र जी, प्लीज़ आप ये वीडियो वॉच कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कर रही हूँ यहाँ पर। थोड़े से नियम रूल्स में वो थर्ड पार्टी के बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है, जो थर्ड पार्टी आपके बारे में बीच में जो भी है, जो इसका आप नाम लेते हो, वो लेडी हो सकती है, तो उनके बारे में शायद वो आपसे बात करेंगे, ठीक है। पूरा ऐसे करेंगे कि नियमों पर, जैसे कहते हैं ना कि हाँ इस टाइप से बात करेंगे, थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में बात करेंगे, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप भी ऐसे ही बात करिए। प्रीति भार्गव, जगजीत की करंट फीलिंग क्या है? प्रीति, मैं आपके लिए देख रही हूँ कि जगजीत की करंट फीलिंग क्या है, जगजीत की करंट फीलिंग क्या है? जगजीत जो है आपको प्रपोजल दे सकता है, कोई थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी काम में बिजी है शायद वो, इस टाइप से उसका है अभी, आपके लिए है कोई अच्छा, कुछ गुड न्यूज़ दे सकता है आपको। ओके प्राची, आपका ले रही हूँ यहाँ पर, अक्षय अग्रवाल चाहता क्या है मुझसे? ओके अक्षय अग्रवाल आपसे क्या चाहते हैं, अक्षय अग्रवाल आपसे क्या चाहते हैं? वो थोड़ा दूर जा रहे हैं आपसे इस वक्त, अक्षय अग्रवाल हैं, और नेगेटिव है उनका रिलेशन में जो भी आ रहा है, नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है, और कंफ्यूज्ड है वो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जाना भी चाहते हैं आपके साथ बट वो कंफ्यूज्ड हैं, मेन उनके अभी फ़िलहाल नेगेटिव के आ रहे हैं, तो आप कुछ टाइम का वेट कीजिए, ठीक है। ओके प्रशी, अभी आपके लिए नहीं सोच रहे हैं वो, कहीं ट्रिप पर भी जा सकते हैं, कहीं बाहर भी जा सकते हैं, ये भी है उनका। काटू दिव्या, आपकी लाइफ में आगे कैसा होगा, ये ले रही हूँ मैं काटू दिव्या, ये आपका क्वेश्चन के कार्ड्स हैं, ठीक है। आप बहुत जकड़े हुए महसूस कर रहे हो, बहुत फीलिंग बहुत सैड है आपकी इस वक्त, बहुत ही परेशान में हो, आपको लग रहा है कभी कोई आ रहा है आपकी तरफ, कभी लग रहा है नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा फीलिंग हो रही है, अभी थोड़ा सा आप उलझनों में फंसे हुए हो, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, वक्त लगेगा अभी इससे निकलने में, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में, ये 3 मंथ्स का लिया है, कुछ छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। की खाटू दिव्या की बात है, युविका आपका ले रही हूँ, जहाँ पर आप जो कर रहे हो क्या वो सही है, युविका नरोला मैं आपके लिए ले रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो क्या वो आपके लिए सही है, आपके लिए वो सही हो सकता है, लेकिन आपको ना बहुत फोकस करना होगा अपने पर, क्लैरिफिकेशन करनी होगी हर बात को वहाँ पे ना, ठीक है न, ठीक है युविका नरोला आपके लिए है ये, आपको वहाँ पे हर बात क्लैरिफिकेशन करके चलना होगा, फोकस अपना काम पर ध्यान देना होगा, ठीक है बिल्कुल एकदम सॉरी
एक्शन लेने वाला है। ओके देविका, आपका आया है टीचर टीएट एग्ज़ाम पास हो जाएगा। देविका के आपका ले रही हूँ यहाँ पर कि आपका जो टीचर्स का एग्ज़ाम है वो क्या क्लियर हो जाएगा, पास हो सॉरी हाँ बिल्कुल पास हो जाएगा। आपका जो कार्ड्स हैं वो यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि पास हो जाना चाहिए आपका। ठीक है ओके देविका, ये आपके लिए था। आपका टीचर्स का जो है एग्ज़ाम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पर बटरफ्लाई। विल बाला बी गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप विद विद एच विल बेला द बी गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप विद एच। ओके बटरफ्लाई, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन हेयर, आई एम टेकिंग योर कार्ड्स हेयर। नो इट इज नॉट इजी टू मूव इन देयर रिलेशनशिप। इट इज़ नॉट इजी फॉर देम, द आंसर इज नो, बिकॉज जो यहाँ पर है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आने वाला फिर भी। ठीक है ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं किनका है। अगला साल कैसा जाएगा मेरा, तारागण ये आपके लिए ले रही हूँ कि आपका अगला साल कैसा जाने वाला है। ओके अगला साल आपका अच्छा जाएगा, आपको बिजनेस या किसी चीज़ में पैसे से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहने वाली है। कहीं ट्रिप पर जा सकते हो, कोई पर्सन आपसे मिलने आ सकता है, या आपका कहीं पर ट्रिप हो सकता है, घूमने फिरने का बन सकता है आपका। ठीक है ओके, ये आपके लिए था तारागढ़। पूजा मेला, अकबर की करंट फीलिंग क्या है, अकबर की करंट फीलिंग क्या है। ओके अकबर की करंट फीलिंग बहुत अच्छी है, इमोशनली अटैच्ड है। लवर्स का कार्ड आया है और ये फोर ऑफ वैंड्स आया, तो मैरिज भी करना चाह रहे हैं आपके लिए, लवर्स भी हैं इमोशंस भी हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग है अकबर की इस वक्त। हाँ जी मुक्ता आपका है। विशाल का भाई रोहित मुझसे लव करता है। ओके विशाल का भाई रोहित आपसे लव करता है। लव तो नहीं करता हाँ वो, बट सोच रहा है आपके लिए। आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। कोई अपॉर्चुनिटी कर सकता है आपके लिए, थोड़ी बहुत थोड़ा सा मौका दे सकता है आपको बहुत मेहनत के बावजूद। अब वो ये चाहता है कि आपको मिलेंगे या नहीं, ये कार्ड उसके लिए दोबारा भी आया, एक बार कल भी आया था मेरे पास ये कार्ड, उसके लिए आज भी आया। आपके सोचता है कि आप उसकी पहुंच से बाहर हो, आप नहीं मिल सकते उसको, शायद उसकी ये भी फीलिंग है आपके लिए। ओके संचिता मंडल आपका हो गया है ना। ओके संचिता जी का हो चुका है। प्लीज़ अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो, कि तैमूर का क्वेश्चन है, मैं इनका देख रही थी तो मुझे मिला नहीं था। व्हेन रिदा जानी कॉन्टैक्ट विद मी ऑन व्हाट हर फीलिंग फॉर मी। चलिए देखते हैं रिदा जानी का करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, कॉन्टैक्ट कब करेंगी आपसे। ओके
इमोशनली तो अटैच्ड हैं वो आपसे, पर किसी बात से परेशान हैं, दुखी हैं इस वक्त। कोई शुरुआत आपके साथ करना चाहती हैं वो कर सकती हैं, कोई मौका आपको दे सकती है, बट उसमें 1 month लगेगा अभी। ठीक है, इमोशंस तो हैं उसके आपकी तरफ। ठीक है, तैमूरी आपके लिए था। ओके, अभी मैं देख लेती हूँ, अगर किसी का रह भी गया होगा तो बाद में मैं देख लूँगी। ओके, अगस्ता, एनीथिंग गुड कमिंग टू मी इन लव इन दिसंबर 2020। ओके, अक्षिता, अक्षिता, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन हेयर। मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ, आपके लिए कार्ड्स ओपन किए यहाँ पर मैंने। ठीक है, एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि किन्हीं का क्वेश्चन रह तो नहीं गया। तो अक्षिता, ये आपके लिए है। बिल्कुल, आपको दिसंबर में मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, गुड न्यूज़ आएगी। लव रिलेशन में हो सकता है, मैरिज के रिलेशन में हो सकता है, किस्मत आपके साथ है, जॉब में हो सकता है, व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके लिए दिसंबर में। तो आप कोई भी अच्छा काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अक्षिता ये आपके लिए है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहीं पर आपका क्वेश्चन बाद में लिया है। कोई बात नहीं, आप प्लीज़ अब देख लीजिएगा। ठीक है, आप बिल्कुल, आप वो देख कर सभी लोग देख लीजिए कि कहाँ पे किसका क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बीच बीच में से उठाकर भी किया है क्वेश्चन के आंसर। जगजीत मेरा मैसेज कब देखेगा? प्रीति भार्गव, मैं आपका ले रही हूँ। जगजीत आपका मैसेज कब देखेगा? देखने के लिए वो जनवरी या दिसंबर में देख सकता है, 1 month के अंदर देख सकता है, क्योंकि उसके लिए अभी यही कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, ओके, अगर अभी किसी का रह गया होगा तो प्लीज़ मुझे, मैं अभी लाइव करूँगी ना, तो आप उसमें बता देना। दिया, फीलिंग ऑफ एच फॉर मी, विल ही कॉन्टैक्ट नेक्स्ट मंथ? दिया, मैं यहाँ पर आपका ले रही हूँ कि एच की फीलिंग आपके लिए क्या है, और क्या वो कॉन्टैक्ट करेगा आपसे? फीलिंग तो उसकी अच्छी है, पॉजिटिव ही है आपके लिए, बहुत अच्छी फीलिंग है। कॉन्टैक्ट भी वो आपसे करेंगे। एच वो है जनवरी तक, हो सकता है दिसंबर के लास्ट या जनवरी में आपसे कॉन्टैक्ट करें। ओके, दिया ये आपके लिए था, फीलिंग बहुत अच्छी है। अभी अगर किसी का रह जाता है तो क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, मैं आज फिर रात को लाइव करने वाली हूँ, या जैसे मेरे को दिन में टाइम मिलता है, तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस मुझे, मेरे पास सेंड कर दीजिए, ताकि मैं उनके आंसर्स कर सकूँ। तो आप प्लीज़ ये सारा वीडियो वॉच कर लीजिएगा, ठीक है? और किसी का कुछ रह भी गया तो मैं कल, आज इवनिंग में या रात में, जैसे भी मेरे को लाइव का होता है, मैं लाइव कर दूंगी। आप अपने क्वेश्चन सेंड कर देना, ताकि मैं उनके आंसर कर सकूं। ठीक है, अभी भी अगर आपको कुछ करना हो तो प्लीज़ आप मुझे बोल सकते हो। ओके, तो चलिए, मैं ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था, जिन्होंने कल क्वेश्चन पूछे थे लाइव में, उनका आंसर है इनमें। तो प्लीज़ आप वॉच कीजिए, देखिए और मुझे बताइए। और जो नेक्स्ट टाइम मैं लाइव करूँगी, आज करती हूँ शाम को, या मैं, तो आप उसमें पूछ सकते हैं, कुछ रह गया है किसी का तो, या दोबारा जिसको कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।